हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। बिसात खेल शतरंज का जो कि इंडियन शो है, आपको एमएक्स प्लेयर पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलता है। टोटल 8 एपिसोड, जिसके हर एक एपिसोड 24 मिनट से लेके 38 मिनट्स के बीच में ही है। और शो की कहानी फोकस करती है एक साइकेट्रिस्ट कियाना वर्मा पे, जो कि अपने डॉक्टर हस्बैंड अभिजीत के साथ मुंबई में रहती है। खैर, कियाना की एक ही प्रॉब्लम है कि वो अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रोफेशनल लेवल पे नहीं बल्कि पर्सनल लेवल पे करती है। वो अपने हर एक पेशेंट की पर्सनल लाइफ में पूरी तरह से घुस जाती है, और यही चीज़ कियाना की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देती है। खैर, अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इंडस्ट्रियलिस्ट यश कपूर का हो जाता है मर्डर। अब उसके बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। खैर, अब बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की। तो यार, विक्रम भट्ट जिन्होंने इस शो को लिखा भी है, डायरेक्ट किया, उनके दो ही फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, एक तो हॉरर और दूसरा थ्रिलर, और एक होता है जिसमें आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने को मिलेगा। तो बस समझ लो कि हॉरर हटा के बाकी थ्रिलर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस पर्टिकुलर शो में देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये एक वेरी वेल मेड डिसेंट शो, जैसा मुझे लगा। शो में अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर आपको ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिले, लेकिन जितने भी हैं उनको अच्छी तरह से लिखा है। और स्पेशली जो लीड कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि कियाना वर्मा और उसके हस्बैंड अभिजीत, इन दोनों को एटलीस्ट इतनी अच्छी तरह से लिखा है कि इनके बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है। लोग एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद भी ये लोग साथ नहीं है, और कियाना अपने पेशेंट्स का पर्सनल लेवल पर ट्रीटमेंट क्यों करती है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से कम टाइम लेकर आई गई है, जिससे आप लोग इतना समझ में आता है कि इनके पास्ट में क्या कुछ हुआ था और प्रेजेंट में इनके साथ क्या कुछ चल रहा है। तो कैरेक्टराइजेशन मुझे अच्छा लगा। उसके शो की सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ तो यार, कुछ सीन्स अच्छी तरह से शूट किए और कुछ सीन्स को देख के ऐसा लगता है कि यार, हम लोग एकता कपूर का कोई शो देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सिनेमेटोग्राफी डिसेंट है। इसके अलावा शो की बीजीएम की बात करूँ तो यार, विक्रम भट्ट के शो से मैं इस तरह के बीजीएम एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे सीन्स ऐसे इस पूरे सीरीज़ में जहाँ पर ऐसा लगता है कि यार, सीन कुछ और है और बीजीएम कुछ और है। कभी कभी सीन स्लो चल रहा है, बीजीएम कहीं और ही भाग रहा है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे बीजीएम अच्छे भी है। तो ओवरऑल अगर मेरा एक्सपीरियंस बोलूँ तो बीजीएम के मामले में आई वॉज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड, और वो फील नहीं थी जो विक्रम भट्ट के प्रीवियस मूवीज़ या शोज़ में होती है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई, चाहे वो संदीपा ढर हो, चाहे वो ओमकार कपूर हो, चाहे वो खालिद सिद्दीकी हो, सभी लोगों ने अपने हिस्से के रोल को डिसेंट निभाया, और कुछ कुछ जगह पर ये सारे एक्टर्स ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे थे। और स्पेशली जो इमोशनल सीन्स हो या एंगर वाले सीन्स हो, वहाँ पर ऐसा लगता है कि यार, ये लोग फालतू की ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, और वहाँ पर इनकी एक्टिंग देखकर आप लोग इस शो से डिसकनेक्ट हो जाते हो। उसके अलावा शो में एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो थे इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स, और हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है जिस वजह से आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड चेकआउट करते हो। और मेन बात यह है कि आप लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि भाई, इन सारी चीज़ों के पीछे है कौन। ये शो की सबसे अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ भी है कि भाई, ये शो को मैंने जीरो एक्सपेक्टेशन से देखा था, तो इस वजह से ये शो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन अगर आप लोग बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रख के देखोगे तो आपको ये शो कितना पसंद आएगा उसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। बात करेंगे शो की मेन नेगेटिविटी की, तो वो है इसके एपिसोड्स। यार, 8 एपिसोड्स की कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। अगर इसमें 6 एपिसोड्स होते आधे आधे घंटे के तो बस इनाफ था यार। फालतू में अननेसेसरी के बहुत सारे सीन्स है जो आपको ऐसे लगते हैं कि यार, इस शो को ड्रैग कर रहे हैं। तो चलो, 6 नहीं तो बहुत से बहुत 7 एपिसोड होते, यानी कि एक एपिसोड फिर भी आपका बच जाता, आधा घंटा आपका इजीली बच सकता था। लेकिन राइटर और डायरेक्टर एक ही है, विक्रम भट्ट, तो क्या ही कह सकते हैं। खैर, पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोलूँगा कि ये शो आप अपनी फैमिली के साथ मत देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ पैशनेट किसिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। हालांकि विक्रम भट्ट सर से मैंने बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखा था कि उनके शो में हमें बहुत सारे एडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। हाँ, बस कुछ ही किसिंग सीन्स है जो कि बहुत ही पैशनेटली आप लोग खुद डिसाइड कर लो। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 7 out of 10। तो यार, बस इस वीडियो में इतने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करो, और ज़्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना, और प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी बाय।